हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल 7 के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर की। सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं इस वीडियो के। हम देखने वाले हैं कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर को यूज़ क्यों करते हैं और कैसे बना सकते हैं, इसको राउटर के थ्रू कैसे कॉल करेंगे, पैरामीटर हम कैसे डेटा पास करेंगे और कैसे गेट करेंगे कंट्रोलर के अंदर में, और इसकी कुछ और पॉइंट्स देखेंगे कि ये इसकी क्यों जरूरत होती है। एक्चुअली यहाँ पे कंट्रोलर्स आने वाला है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलर एक्चुअली होता क्या है। देखिए MVC, इसके अंदर तीन पॉइंट्स होते हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। और कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर एक मिडल चीज़ होती है व्यू और मॉडल के बीच में, ठीक है। मॉडल के अंदर बेसिकली डेटाबेस कनेक्टिंग के लिए हमारे हेल्प में आता है, और व्यू के अंदर हमारा HTML पार्ट लिखते हैं। दोनों को कंट्रोल करता है कंट्रोलर। इसके अंदर कुछ लॉजिकल पार्ट भी लिखते हैं, कुछ बिजनेस लॉजिक भी लिखते हैं, ठीक है। सो ये तो बेसिकली हो गया कि कंट्रोलर होता क्या है। अब हम इसको बना कैसे सकते हैं वो देखते हैं। देखिए उससे पहले आपको बता देता हूँ, जब आप कंट्रोलर बनाओगे आपको दिखेगा कहाँ पे। आपको ऐप के अंदर जाना है, ऐप के अंदर आपके जाना है HTTP, यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर आपको एक कंट्रोलर मिल जाएगा। अब मैं कंट्रोलर बनाता हूँ। देखिए जब आप कंट्रोलर कभी भी बनाते हो तो उसको ट्राई करिए कि वो प्लूरल हो। जैसे कभी यूज़र कभी कंट्रोलर मत बनाना, यूज़र्स बनाना। फ्रूट मत बनाना, फ्रूट्स बनाना। एनिमल मत बनाना, एनिमल्स बनाना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम, लेट्स से कंट्रोल का नाम मैं बनाता हूँ यूजर्स और एंटर हिट करूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक यूज़र एक फाइल बन गई है। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ तो इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, एक तो नेम स्पेस बन जाएगा क्योंकि जहाँ पे हमने इस कंट्रोलर को रखा हुआ है। उसके बाद में एक रिक्वेस्ट एक यूज़ आ जाएगा, जो क्लासेस हैं उसकी यहाँ पे इंपोर्ट हो रही होती है रिक्वेस्ट वाली। ये कब काम आती है, जब हम APIs कॉल करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल करते हैं, तब हमारी ये काम में आती है। अभी के लिए इसका कोई यूज़ खास है नहीं। उसके बाद क्लास बनी होती है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, राइट। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स, और इसके अंदर मैं कुछ रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने रिटर्न करवा दिया, एक एरे के अंदर रखता हूँ नेम, और नेम क्या होगा, नेम लेट्स से कि अनिल सिद्धू मेरा एक नेम हो गया। अब कंट्रोलर तो रेडी है, मैं इसको यहाँ पे दिखा कैसे सकता हूँ, ठीक है। दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिखाने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे एक राउटर बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो राउटर हम किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए मैं जाऊँगा राउटर फोल्डर के अंदर web.php के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा राउट कॉलन गेट। गेट के अंदर पहले मेरा URL होगा राउट का, लेट से मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ यूज़र्स के ऊपर। और उसके बाद में सेकेंड पैरामीटर के अंदर मेरा कंट्रोलर का नाम, एट द रेट फंक्शन का नाम, ठीक है। और अब मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से यूज़र्स से। जैसे मैं लिखता हूँ लेट मी चेक, एक्चुअली यहाँ पे राउट आएगा, राउटर्स नहीं आएगा। सो इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाटा हमें मिल गया, और ये भी हमें JSON के फॉर्मेट में, यानी कि API के तरीके से। तो ये आप एक मिनी API भी समझ सकते हो कि एक मिनी API है, राइट, नो इशू। सो अब मान लो कि मैं एक फंक्शन और बनाना चाहता हूँ, एक कंट्रोलर और बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए करना पड़ेगा, मैं एक और बना सकता हूँ यहाँ पे शो। ये एक फंक्शन हो गया, अब मैं इसको कॉल करता हूँ कि यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ हेलो कंट्रोलर, राइट। तो इसको मैं अब इसके लिए राउट कैसे बना सकता हूँ, इसके लिए भी सिंपल है। सेम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में सेम यहाँ पे बस हमें चेंज करते हैं। जैसे कि शो बनाया है हमने, तो मैं इसका नाम रख दूंगा शो, और कॉल किस पे करना है हमें, लेट्स से कॉल करना है हमें शो के ऊपर ही। तो अब मैं जब भी यहाँ से शो लिखूंगा तो मुझे कंट्रोलर मेरा मिल जाएगा, राइट। इसके अंदर हम चाहें तो हम HTML भी इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से नाउ लेट्स सी इट, ये कैपिटल में हो गया और थोड़ा सा बोल्ड हो गया H1 टैग के हिसाब से। अब लेट्स से कि यहाँ पे मैं कुछ डाटा पास करता हूँ, लेट्स से 100। इस डाटा को मैं राउटर के अंदर कैसे गेट कर सकता हूँ, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट्स मैं वेरिएबल लेता हूँ $ID करके, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे भी इसको इसी तरीके से गेट कर सकता हूँ $ID, और यहाँ पे मैं एको भी करवा सकता हूँ इसको $ID, राइट। सो नाउ ट्राई करते हैं, लेट मी चेक, यहाँ पे आई थिंक मुझे डॉलर नहीं पास करना है, दैट्स माई बैड। आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे 100 भी गेट हो गया,
इसको यहाँ पे आप वेरिएबल को इंटीग्रेट भी करवा सकते हो, आपको पता ही है राइट। सो इसके अंदर आप चाहो तो डॉलर आईडी भी लगा सकते हो, इट विल बी डॉट हेयर। जावास्क्रिप्ट भी करता हूँ तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा बहुत टाइम के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर भी चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर आपको H1 टैग के अंदर लेना है तो डॉलर डॉट और उसके बाद में कोट्स इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे 100 आ गया। सो ये था सब कुछ कंट्रोल के बारे में, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और कर लेते हैं कि कंट्रोलर की एक्चुअली नीड क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कंट्रोलर नहीं होगा तो एक मिडलवेयर नाम की चीज़ होती है, ऑथेंटिकेशन वगैरह, सेशंस वगैरह, वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास कोई एक मिडलवेयर नहीं है हमारे व्यू और मॉडल को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अगर APIs हमारे पास डायरेक्ट कॉल करनी है तो हम डायरेक्ट व्यू में लेके जाएंगे, तो व्यू के अंदर हम डायरेक्ट डेटाबेस कैसे कॉल करेंगे, इन सबको मैनेज करने के लिए कंट्रोलर बहुत ही ज़रूरत होता है। और बेसिकली जैसे इसका नाम है कंट्रोलर, ये एप्लीकेशन को, आपके राउट्स को, व्यू को, मॉडल को, सबको कंट्रोल भी करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।